हेलो बच्चों कैसे आप लोग तो आओ देखो क्या है नीट 2020 फाइनल टच एनसीईआरटी बायोलॉजी अब ये क्लास ट्वेल्थ का सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो ये पार्ट थ्री है तो पार्ट वन में हमने क्या है पॉलिनेशन से पहले पढ़ाया था पार्ट टू में हमने पूरा पॉलिनेशन कंप्लीट किया था यहां पर जो हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन से लास्ट तक देखेंगे पूरा का पूरा अब देखो हम आपको ये बता रहे हैं यह सीरीज लाने का क्या है मतलब तो क्यों क्योंकि आप जब नीट 2019 देखे होंगे इंट्रेंस का पेपर तो वहां पर क्या है 88 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 डायरेक्ट फ्रॉम दी एनसीईआरटी इवन अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी एनसीआरटी के लाइन से सवाल पूछा हुआ है तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन आपको बताएंगे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा है और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सारी बातें हम आपको यहाँ पर बताएंगे फिर क्या होता है कुछ लाइन ऐसे भी होते हैं बच्चों बार बार मैं ये चीज आपको रिपीट करता हूं क्योंकि आपको ये बात पे ध्यान रखना है कुछ लाइन ऐसे होती हैं जिसे आपको समझ में नहीं आता लेकिन सवाल वहां से पूछता है तो उसे भी हम क्लियर करेंगे बीच बीच में एनसीईआरटी अपना सवाल पूछ देता है वो भी आंसर नहीं देता तो उसका भी हम आंसर देंगे और वो आपके एंट्रेंस का क्वेश्चन बन जाता है क्लियर तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ओके आ जाओ देखो डबल फर्टिलाइजेशन देखो चैप्टर का नाम क्या था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म तो देखो आफ्टर the the two ट्यूब रिलीज टू मेल cytoplasm of synergid. ठीक? Synergid में वन ऑफ द synergid में pollen ट्यूब enter करता है और जिस synergid में enter करता है उस synergid को rupture कर देता है और वो डिजनरेट कर जाता है और पॉलन ट्यूब दो मेल गैमेट्स लेके आता है और वो रिलीज हो जाता है तो देखो वन मेल गैमेट्स फ्यू मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड्स द एग एंड फ्यूज विथ इट्स न्यूक्लियस एक के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और क्या कंप्लीट करेगा सिंगेमी ऐसे को हम सिंगेमी बोलते हैं और इसका रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेलगोड नेक्स्ट देखिए अदर मेल गैम इट मूव टूअर्ड्स दू टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन देंट्रल से विथ देम टू प्रोड्यूस आर डिप्लॉइड प्राइमरी इंडोसपम न्यूक्लियस तो देखो अब यहां पर जो एक बात एनसीआर ने नहीं लिखा है वो क्या है कि जैसे क्या है फर्स्ट मेल गैमेट एक की तरफ मूव करता है उसी दौरान टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस में बदल जाते हैं जिनको हम डिफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं ठीक और उससे सेकंड मेल गैमेट जाकर के फ्यूज करता है तो तीन न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है तो ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं क्लियर तो सिंग एमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को मिला करके डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं तो देखिए

साइफोनस कंडीशन देखो साइफेनोगेमी जो होता है साइफोनोगेमी मतलब क्या है मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है ट्यूब तो उसको हम साइफेनोगेमी बोलते हैं ठीक है फर्टिलाइजेशन अब यहां पर जो एक बना तो मोनोसाइफोनस कंडीशन हो गया अगर एक से ज्यादा इन फैमिली लाइक मालवेसी एंड कुकर बिटेसी क्या होता है मोर देन वन पॉलिन ट्यूब तो पॉलीसाइफोनस कंडीशन बोलेंगे इंपॉर्टेंट फिर आपसे सवाल पूछता है कि पॉलिन आगे मतलब पॉलिन जर्मिनेशन में पोलिन बोरोन मेनली मतलब कैल्शियम आर एसेंशियल फॉर पॉलिन ट्यूब ग्रोथ ठीक है पोलिन ट्यूब के ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है तो बोरोन है और कैल्शियम है ठीक लेकिन मेनली कौन बोरोन ये भी याद रखिएगा और इसका ग्रोथ क्या है टिप से होता है तो एपिकल ग्रोथ है इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस तो केमोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं ये सब सवाल पूछा हुआ आइए द बेस्ट टम्परेचर फॉर पॉलिन ट्यूब ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस आगे देखिए द मैकनिज्म ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई नोशिन नाम के साइंटिस्ट हैं किसमें फ्रीटीलेरिया और लिलियम प्लांट्स तो ये भी सवाल पूछता है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है चलिए आगे हम आगे बात करें देखो अब क्या है डबल फर्टिलाइजेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट मेल गैमेट एक से फ्यूज किया जाइगोड बना इस प्रोसेस को सिंगेमी बोलते हैं तो देखो मेल हैप्लॉइड हैप्लॉइड, डिप्लॉइड बनाया फिर ग्रोथ होगा इम्ब्रियो बन जाएगा डिप्लॉइड हो गया ठीक सेकंड मेल गैमेट्स हैप्लॉइड है सेकेंडरी न्यूक्लियस बताया था टू पोलर न्यूक्लियस फ्यूज होकर के सेकेंडरी जिसको डिफिनिटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं तो ये फ्यूज हुआ इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला इन दोनों को मिलाकर के डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं क्लियर अब सेकंड दोनों मिलकर के रिजल्ट क्या होगा प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस इसका और इसका जायगोड क्लियर तो पूछता है ट्रिपल फिजन का रिजल्ट क्या होगा जायगोट का रिजल्ट क्या होगा ठीक तो ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट था अब देखो क्या है एट लास्ट वो जयगोट में ग्रोथ हुआ तो इम्ब्रियो बदला ये प्राइमरी इंडस्पॉम न्यूक्लियस में ग्रोथ हुआ तो क्या बनाएगा

अब प्लॉइडी नेचर तो आपने देख लिया इन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन क्या है कौन कौन सा सेल इन्वॉल्व हो रहा है और कौन कौन सा न्यूक्लियस द थ्री गैमेट्स आर इन्वॉल्व टू मेल गैमेट्स एंड वन फीमेल गैमेट दैट इज एग फाइव न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व टू न्यूक्लियाई ऑफ मेल गैमेट वन न्यूक्लियस ऑफ एग एंड टू हाइप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस और डिफिनेटिव न्यूक्लियस अब देखिए कह रहा है इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इंडो ऑफ़ ऑफ प्लांट मतलब बोल दिया 36, इसका मतलब आप यहां देखिए क्या है थ्री एन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हो गया क्योंकि बोल रहा है इंडो ध्यान रखिएगा और एंडोस्पर्म 3n थ्री एन होगा तो एन इज इक्वल टू हेप्लॉइड में कितना होगा 12 हो जाएगा क्लियर है अब आगे देखिए कह रहा है फॉलोइंग सेल्स हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने क्रोमोजोम्स होंगे तो रूट सेल सोमेटिक सेल हो गया ऐसे बोलेंगे सोमेटिक सेल हो गया जहां पर क्या हो जाएगा ये 2n होता है क्या होता है डिप्लॉइड तो अब आप बताएंगे डिप्लॉयड है एन में क्या है 12 है तो यहां पर 24 हो जाएगा ठीक है जाइगोट अगर बात करें तो यह भी 2n होता है तो यहां पर भी 24 ठीक सीनर जीड इम्ब्रियोसेक का पार्ट है और इम्ब्रियोसेक क्या होता है haploid होता है ठीक है तो ये एन इज इक्वल टू क्या बोलिएगा 12 ठीक एंटीपोडल्स भी क्या है इम्ब्रियोसेक का पार्ट है यह भी हैप्लॉयड होता है तो एन इज इक्वल टू ट्वेल्व ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात ठीक तो ये दोनों आप क्या बोल इम्ब्रियो सेक का पार्ट है जो कि एन हैप्लोइ होता है क्लियर तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए हमने आपको यहां पर करा दिया चलिए नेक्स्ट हम बात करें आइए अब देखो वही दे रखा है कि क्या क्या हुआ देखो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा क्या हो गया देखिए मेल गैमेट एक तक आया क्या बन गया जाइगोड बन गया है, ठीक है और ये जाइगोड जो बना किससे गेमी से किससे सिंगेमी से अब देखो प्राइमरी इंडोस्पॉर्म न्यूक्लियस बना ये किससे बना ट्रिपल फ्यूजन से ठीक है ध्यान रखिएगा अब देखो सॉरी एक मिनट ये चीज ठीक तो ये दोनों अब एक बात हम आपको बता दें ध्यान रखिएगा ये चीज ये जो आप देख रहे हैं दिस एंड मिल करके क्या बनाता है इंडोस्पम बनाता है क्या बनाता है एंडोस्पर्म बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगे डिजनरेट तो सीनरज भी डिजनरेट एंटीपोडल्स भी डिजनरेट ठीक तो देखिए अब जाइगोट यहां से ये आया फिर इसके बाद फर्दर डिवीजन हुआ तो फिर ये किस में आ गया टू सेल्ड स्टेज हो गया ये क्या हो गया वन सेल्ड ये टू सेल्ड फिर उसके बाद ये चीज बन गया क्लियर है ये देन आफ्टर ये आ गए फिर ये क्लियर है तो ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है चलिए तो ये प्लीम्यूल को हम क्या बोलते हैं फ्यूचर शूट बोलते हैं रेडिकल को हम बोलते हैं फ्यूचर रूट बोलते हैं जहां से रूट सिस्टम डेवलप्ड होगा यहां से शूट सिस्टम दे आर इंपॉर्टेंट तो सीक्वेंस याद रखिएगा जाइगोट हो गया फिर उसके बाद क्या हो गया ग्लोबुलर इम्रियो हो गया फिर हार्ट शेप्ड इम्रियो हो गया और एट लास्ट मैच्योर हो गया ठीक है चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं फिगर सब दे रखा है आप ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट तो देखो क्या दे रखा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन आप बात करें आप तो स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स क्या क्या होगा पूरा हमने फ्लो चार्ट बनाया इसके पूरा बताएंगे कि कौन सा किस में बदलता है तो देखिए क्या इवेंट्स ऑफ द एंड दियो डेवलपमेंट मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इंटू सीड ओवरी इंटू फ्रूट्स कलेक्टिवली कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो ये ऑप्शन देकर के आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है क्लियर है बच्चों आगे देखो क्या है इंडोस्पम इंडोस्पम डेवलप्स डेवलपमेंट जो इंडोस्पॉम डेवलप हो रहा है प्रोसीड द इम्ब्रियो डेवलपमेंट क्यों क्या इंब्रियो डेवलपमेंट में इंडोस्पम कैसे रोल प्ले करेगा क्योंकि हाईली न्यूट्रिटिव होता है तो देखिए द प्राइमरी इंडोस्पम से ट्रिप्लॉइड इंडोस्पम टिश्यू ट्रिप्लॉइड मतलब थ्री एन ठीक द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर मैचुरेशन, मैचुरेशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो यही तो क्वेश्चन था ऊपर वाई का आंसर ये होगा क्लियर इनमें क्या होता है रिजर्व फूड होता है क्लियर अब आगे देखिए इन मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पम डेवलपमेंट प्राइमरी इंडोस्पम न्यूक्लियस अंडर गो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दैट मींस एफ एन डी जहां पर कंटिन्यूअस न्यूक्लियस डिवाइड करता है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है तो देखिए राइज टू फ्री न्यूक्लिया दिस स्टेज ऑफ द इंडोस्पम डेवलप्ड डेवलप्स इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पम इंपॉर्टेंट है सब क्या है सब्सिक्वेंटली द सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड द क्या है इंडोस्पॉम बिकम सेलुलर मतलब फ्री न्यूक्लियर हो जाएगा न्यूक्लियर इंडोस्पॉम और सेलुलर इंडोस्पॉम डिवीजन ध्यान रखिएगा आगे आपको एग्जाम्पल मिलेगा क्लियर है यह बात तो चलो नेक्स्ट देखिए द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन क्लियर वेर इज ग्रेटली द कोकोनट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोकोनट वॉटर फ्रॉम रेंडर कोकोनट डैट यू आर फैमिलियर विथ इट इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पम्प मेडअप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस तो ये हो गया फिर उसके बाद कह रहा है सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज दैलुलर इंडोस्पम्प तो कोकोनट में दोनों टाइप का इंडोस्पम्प पाया जाता है जो लिक्विड है वो न्यूक्लियर इंडोस्पम है और जो उसकी कवरिंग जो व्हाइट कर्नल है वो सेलुलर इंडोस्पम्प इम्पॉर्टेंट है बहुत सवाल पूछते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को ये इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इंडोस्पम्प में आइधर भी कम्पलीटली ंज्यूम बाई द डेवलपिंग इम्रियो दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे कैस्टर कोकोनट याद रखिएगा बी यूज ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इसको हम सेकंड वाले को बोलेंगे एल्बुमिन और इंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे अब क्या है कुछ ये तो एक्सपेरिमेंट है कोई काम का नहीं इम्रियो देखिए क्या है इसको हम फर्दर आपको लिखा हुआ हम दिखाएंगे कि क्या क्या डिफरेंस है देखो इम्ब्रियो इम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर इंड ये भी सवाल पूछ सकता है कि इम्ब्रियो चैलेजल इंड पे डेवलप्ड होता है या माइक्रो पाइलर इंड ठीक तो है तो इम्ब्रियो सेट वेर जाइगोट इज सिचुएटेड जहां पर जाइगोट होगा वही तो इम्ब्रियो बदल रहा है मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्प इज फॉर्मड ठीक है तो ज्यादातर जाइगोड का डेवलपमेंट जब इंडोस्पम बन जाता है ठीक है सम अमाउंट कुछ अमाउंट बन जाता है तब इजाइगोड का डेवलप डिवाइड्स होता है और वो इम्रियो में बदलता है क्लियर तो ये डिवीजन कैसा होगा ये भी सवाल पूछ सकता है तो माइटोसिस होगा ठीक है मतलब इक्वेशनल डिवीजन ध्यान रखिएगा क्या होगा इक्वेशनल डिवीजन नेक्स्ट हम बात करें आइए तो देखिए वही चीज है बिफोर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर देखो ओवरी किस में बदलेगा? Fruit में बदलेगा फ्रूट ओवरी वॉल फ्रूट वॉल जिसको हम पेरी कार् बोलते हैं ठीक है ठेके? अब ओव्यूल सीड में बदलेगा फ्यूनिकल स्टॉक ऑफ सीड बदलेगा परसिस्ट रहेगा या डिजेनरेट कर जाएगा हाइलम जंक्शन होता है ठीक है हाइलम ऑफ सीड बन जाएगा ठीक है आउटर इंटीग्यूमेंट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान रखिएगा टेस्टा आउटर सीड 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 इनर इनर क्या है इनर इसका मतलब में बदलेगा ठीक है और ओवरी वाल, फ्रूट वॉल में बदलेगा क्लियर तो नाम याद रखिएगा ऑटर को टेस्टा बोलते हैं इनर को टेगमेन बोलते हैं माइक्रोपाइल अलाउ माइक्रोपाइल जैसा वहां था वैसा यहां भी रहेगा फर्टिलाइजेशन अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर एंड एयर फॉर सीड जनमिनेशन इंपॉर्टेंट एनसीआर में सीनरजीड डिजनरेट एक सेल इम्ब्रियो में बदल जाइगोड फिर इम्ब्रियो एंटीपोडल्स डिजनरेट कर जाएगा सेकंड्री न्यूक्लियस मतलब टू हेप्लॉइड पोलर न्यूक्लिया सेकंड्री न्यूक्लियस फिर प्राइमरी इंडोसप न्यूक्लियस फिर उसके बाद क्या होगा

नेक्स्ट तो देखो अब क्या है दिस इज द एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग इम्ब्रियो कौन इंडो क्लियर क्लियर इंडो दी दो डिफर ग्रेटली द अर्लियर स्टेज ऑफ द इम्ब्रियो डेवलपमेंट इंब्रियो क्या है इंब्रियो इम्ब्रियो जैनी बोलेंगे इम्ब्रियो डेवलपमेंट को आर सिमिलर इन क्या है बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टार्टिंग का सब में सिमिलर होता है अब देखिए स्टेजेस ये लाइन अभी हमने डायग्राम में देखा है स्टेजेस ऑफ इम्ब्रियो इन डाइकॉट इम्ब्रियो क्या है जाइगोट फिर क्या है प्रो इम्ब्रियो फिर क्या हो जाएगा ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड और मैच्योर इम्ब्रियो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा सीक्वेंस आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इम्ब्रियो डेवलपमेंट ठीक आइए फ्रॉम नेक्स्ट अ अटिपिकल डाइकॉट कंसिस्ट क्या होगा एक्सिस होगा और कॉटिलिडन होगा दो कॉटिलिडन द पोर्शन ऑफ इम्ब्रोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन एपिकोटाइल बोलेंगे ठीक है और विच टर्मिनेट किस में होगा एपिकोटाइल प्लीम्यूल में ठीक है और स्टेम टिप याद रखिएगा प्लीम्यूल या स्टेम टिप से क्या है सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेबल ऑफ शेप याद रखिएगा क्वॉटलिडन हाइपोकोटाइल बोलेंगे जो कि टर्मिनेट एट इट्स लोअर इंड इन रेडिकल और रूट टिप ठीक दी रूट टिप कवर्ड विथ रूट कैप ठीक है अब यहां से एक बात याद रखिएगा रूट कैप एबसेंट इन एक्विटिक प्लांट क्या हुआ एबसेंट इन एक्विटिक प्लांट में नहीं होता क्लियर आइए नेक्स्ट हम बात करें क्या है इम्ब्रियो मोनोकोटिलिडन monoc क्या है ओनली वन क्वारिडन इन ग्रास एग्जाम्पल ऑफ है फैमिली पोएसी बोलते हैं क्वारिलिडन स्कूटेलम बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक याद रखिएगा दिस इज सिचुएटेड टूवर्ड्स वन साइड लेटरल तो पोजीशन आपसे पूछ सकता है वन साइड एक ही साइड होगा लेटरल में होगा साइड में ऑफ द इम्ब्रियोनल एक्सिस एट इट्स लोअर एंड द इम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप। इंक्लूज इन एन अनडिफ्रेंशिएटेड क्षेत्र जो मतलब अब आप आपसे पूछेगा रूट कैप के कवरिंग को क्या बोलते हैं कॉलियोराइजा क्लियर है, है? आइए नेक्स्ट पहले डायग्राम बाद में देखेंगे आगे देखिए द पोर्शन ऑफ इम्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट अटैचमेंट ऑफ एस्कुटेलम एपिकोटाइल हो गया ठीक अब एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स और क्या है एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोडिया मतलब लीफ प्राइमोडिया क्या बोलेंगे इसको प्री कर्सर ऑफ लीव जहां से लीफ फर्दर डेवलप्ड होगा इंक्लूज इन हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर कॉलियोपटाइल बोलेंगे ठीक है तो कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल क्या हो गया कॉलियोटाइलिंग कवरिंग कवरिंग ऑफ रेडिकल कॉलियोराइज़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा आइए अब फिगर में देख ले हम तो ये जो आप देख रहे हैं टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो क्या है डाइकॉट एम्ब्रियो क्लियर और नीचे वाला क्या है मोनोकॉट इम्ब्रियो तो देखो प्लीम्यूल हो गया और रेडिकल हो गया रूट कैप हो गया ठीक है अब क्या है प्लीम्यूल? ये हो गया, वाला, बहुत सवाल पूछता है जो कि हमने यहां पर लिखा है लेबल कर रखा है एस्कूटेलम क्या है मोनोकॉट है, का सिंगल होता है लेट्रल साइड ऑफ एक्सिस होता है क्लियर बताया प्लीम्यूल कवरिंग होगा ठीक और या पर शूट बोल दिया है नेक्स्ट क्या दे रखा है रेडिकल दे रखा है रूट कैप दे रखा है कॉलियोराइजर रेडिकल कवरिंग अब यहां से जो आपके एनसीआरटी में नहीं दे रखा लेबल कर रखा है लेकिन एग्जाम पूछता है तो देखिए एपी ब्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंट द रूमिनेंट ऑफ सेकेंडरी सेकंड कॉटिलिडन याद रखिएगा रूमिनेट ऑफ सेकंड सेकंडी ब्लास्ट लेवल तो कर रखा है लेकिन आपका एनसीआर ये बात नहीं लिखा लेकिन आपके एंट्रेंस में पूछा आइए फिर उसके बाद क्या, है? ब्रेक, क्या? और जब जर्मिनेट करता है तो ब्रेक कर जाता है क्लियर तो चलो आगे बढ़ते हैं हम ये हमने आपको फिगर बताया ये इंपॉर्टेंट है जो ले बात लेबल ले नहीं आप कर लीजिएगा आई नेक्स्ट तो देखो सीड इन द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है क्या दे रखा है फिर सीड कहां होगा फ्रूट के अंदर एनजियो स्पॉम्प बात कर रहे हैं लेकिन जिम्नोस्पाम अब यही चीज बात कर ले इन जिम्नो स्पर्म नेकेड सीड होता है क्योंकि वहां पर इम्ब्रियो नहीं होता तो फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा अटिपिकल ऑफ सीड कोट होगा कॉटिलिडन होगा इम्रियो एक्सिस होगा जो कि आपने देखा वही बात है कॉटिलिडन यहां पर अब देखिए क्या है मोस्ट सीड्स में भी नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस बताया था नॉन इंडोस्पर्मिक और इंडोस्पर्मिक नॉन एल्बिन एल्बुमिनस सीड सीड्स है इंडोस्पम एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द इम्ब्रियो डेवलपमेंट इसका और भी डिफरेंस है हम बताएंगे एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा पी ग्राउंड नट कम से कम एनसीआर टी का एग्जाम्पल एल्यूमिन सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ इंडोस्पम एज इट इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट एग्जाम्पल हो गया वीट मेज बार्ले कैस्टर और सनफ्लावर दे रखा है अब नेक्स्ट देखो क्या इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर ये इंपॉर्टेंट नहीं अल्ट्रा इंपॉर्टेंट ब्लैक पेपर एंड बीट रे क्या आल्सो परसिस्ट दिस रिशिड्यूअल परसिस्ट न्यूसेलस को हम पेरियस पम बोलेंगे पेरियस पम का मतलब परसिस्टेंट न्यूसेलस एग्जाम्पल ब्लैक पेपर एंड बीट याद रखिएगा डायरेक्ट आपके एंट्रेंस में सवाल पूछेगा आइए हम नेक्स्ट बात करें तो देखो क्या दे रखा है इंटीगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्ड ओव्यूल्स हार्ड एन एज प्रोटेक्टिव सीड कोड बताया था हमने आपको फिर क्या माइक्रोपाइल रिमेन एज अ पोर स्मॉल पोर इन द सीड जो कि वाटर और एयर ठीक है दिस फैसिलिटेड द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूज बहुत इंपॉर्टेंट बात ठीक है सीड बी कम्स रिलेटिवली ड्राई आपसे ये पूछ सकता है कितना टेन टू फिफ्टीन परसेंट मॉइस बाई मास जनरल जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द इम्ब्रियो स्लो डॉन दैट मीन डॉरमेंट कंडीशन में आ जाएगा द इम्ब्रियो में इंटर ए स्टेट ऑफ इन कॉल्ड डोरमेंसी अब जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा इफ द फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल एट एक्ट मॉइस्चर ऑक्सीजन एंड सुटेबल इन टेम्परेचर आ जाएगा तो दे जर्मिनेट तो जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है और जब सीड मैच्योर होता है तो क्या होता है तो ये सब याद रखिएगा एज द ओव्यूल मैच्योर इन टू द सीड द ओवरी डेवलप इन टू द फ्रूट क्योंकि सीड फ्रूट के अंदर होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल द सीड एंड ओवरी इंटू द फ्रूट फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली ये भी सवाल पूछ सकता है एक साथ द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इन टू वॉल ऑफ फ्रूट जिसको पेरी कार बोलते हैं पहले बता चुके फ्रूट में फ्लेशी भी हो सकता है लाइक इन गोवा ऑरेंज और मैंगो और ड्राई हार्ड भी हो सकता है ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा एग्जाम्पल नेक्स्ट आ जाइए कह रहा है इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एंड ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड प्रेजेंट इन अ फ्रूट यस सीड और ओव्यूल ठीक है क्या होगा वन इज टू वन जितने ओव्यूल होंगे उतने सीड होंगे अब एक बात और कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो ओव्यूल सीड में नहीं बदलेगा तो क्या देखिए डू नॉट डेवलप इन टू द सीड ओव्यूल इफ नो फर्टिलाइजेशन उसको हम पार्थेनो कार्पी बोलते हैं और उस फ्रूट को पार्थेनो कार्पिक फ्रूट बोलेंगे ठीक है आ रहा है क्लियर तो चलिए आगे बात कर रहे हैं कह रहा है इन इन मोस्ट प्लांट्स दैट बाय द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम दी ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट डिजनरेट एंड फॉलो ठीक तो ये चीज नेक्स्ट आप देखिए क्या दे रखा है क्या है इन अ फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल क्या दे रखा है स्ट्रॉबेरी कैश्यू द थैलेमस आर कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं एक बात याद रखिएगा एक चीज ऑल पारथेनो कार्पिक फ्रूट्स आर फॉल्स फ्रूट्स बट ऑल फॉल्स फ्रूट्स आर नॉट पार्थेनोकार्पिक कार्पिक फ्रूट समझ में आ रहा है सारे के सारे पार्थेनो कार्पिक फ्रूट फॉल्स फ्रूट कहलाएंगे लेकिन सारे के सारे फॉल्स फ्रूट पार्थेनो कार्पिक नहीं कहलाएंगे ठीक है तो पार्थेनो कार्पिक जो है फ्रूट ये जो है क्या होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन अब एक चीज याद रखिएगा फॉल्स फ्रूट जो है विथ with या विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड involvement of other floral part then ओवरी ओवरी के साथ साथ दूसरे फ्लोरल पार्ट भी इन्वॉल्व होते हैं चाहे फर्टिलाइजेशन हो चाहे ना हो इसी उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं लेकिन पार्थेनोकार्पिक विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा इसीलिए हमने बोला ऑल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉल्स फ्रूट बट ऑल फॉल्स फ्रूट्स आर नॉट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्लियर है ये बात तो यह ध्यान रखिएगा तो देखिए मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप्स फ्रॉम ओनली फ्रॉम ओवरी कॉल्ड ट्रू फ्रूट ट्रू फ्रूट में फर्टिलाइजेशन भी होना चाहिए और साथ में सिर्फ ओवरी से डेवलप्ड होना चाहिए तो याद रखिएगा फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट अलॉन्ग क्या ऑल दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज द फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन देर आर अ ए फ्यू स्पीशीज इन विच द फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पा, उस, प, पार्थेनो कार्पी ठीक बनाना इज वन सच एग्जाम्पल और इसमें क्या होंगे सीडलेस फ्रूट होंगे क्लियर पार्थेनोकार्पी मे बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन याद रखिएगा ऑक्जीन ठीक सीड ऑफ एन सेवरल एडवांटेज होंगे एडवांटेज होंगे फर्स्ट क्या है फर्स्टली द सिंस द रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं ठीक है अब देखो यहाँ पर जैसे क्या हो गया वाटर हो गया सीड फॉर्मेशन इज मोर मतलब क्या हो गया इंडिपेंडेंट यहाँ पर वाटर का रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा सीड फॉर्मेशन भी नहीं होगा ठीक है तो चलिए जैसे कि सेक्सुअली प्रोडक्शन डिपेंडेंट होता है और आगे देखिए ऑल्सो सीड्स हैव अ बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटेजी फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन टू इन इन अदर एरिया क्लियर है मतलब वो यही चीज सीड का डिस्पर्स होगा दूसरी जगह जाएगा वहां पर क्या होगा लैंड को फिर से क्या है मतलब प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा वहां पर क्लियर आ जाओ नेक्स्ट हम बात करें देखो यहां पर जो था आपको ट्रू फर्टिलाइजेशन और बात करें सॉरी यहां पर ट्रू फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट और पार्थेनो फ्रूट ध्यान रखिएगा आइए नेक्स्ट अब देखो क्या है सीड था तो इंडोस्पर्मिक सीड जिसको एल्बोमिनस सीड भी बोलेंगे इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा और क्या सीड इज नॉट स्टोर्ड इन कॉटिलिडन मतलब जब इंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो कॉटिलिडन में सीड स्टोर नहीं होगा जिसकी वजह कर कॉटिलिडन थिन और पेपरी होगा और पेरियस्पर्म यहां पर नहीं ठीक है पेरियस्पर्म डज नॉट डेवलप फ्रॉम द न्यूसेलस एग्जाम्पल डाइकोट का पपाया कैस्टर कोकोनट

ठीक अब देखिए डायकॉट का ग्राम पी बीन को और कुकुम्बर टैमरिंड इटे मोनोकॉट में क्या है मनी प्लांट्स हो गया एलिजमा वेलिसनेरिया एमॉर्फोफेलस क्लियर आ जाओ तो ये डिफरेंस हमने आपको बताया ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट हम बात करें क्या तो देखिए क्या है ये आपके एनसीईआरटी का फोटो है आपको पता डायग्राम है पता होना चाहिए तो ए डायग्राम जो आपको दे रखा है ये पूरा ए डायग्राम है ऊपर का ये क्या है

लार्ज है ठीक और क्या है वन लार्ज क्वाटिलीडन शील्ड शेप्ड होता है ये भी याद रखिएगा क्लास एलेवंथ में ये बात दे रखा है प्लांट किंगडम में मॉर्फोलॉजी में सीड कैसा शील्ड शेप होता है ठीक अब देखो यहां पर ये भी लेबल कर रखा है क्लास इलेवंथ में जो कि हमने आपको यहां पर बता दिया क्या होता है प्रोटीन कवरिंग लेयर आउटर प्रोटीन कोट ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेट किससे करता है एम्ब्रियो से क्लियर अब आ जाइए ये, ये देखिए बी डायग्राम फॉल्स फ्रूट ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी तो अब देखो ये एप्पल है ए इन अब यहां पर क्या है इन्वॉल्वमेंट थैलेमस का किसका इन्वॉल्वमेंट हो गया थैलेमस ओवरी के साथ साथ तो देखो एप्पल इडेबल पार्ट याद रखिएगा कार प्लस थैलेमस हो जाएगा अब नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है यहां पर स्ट्रॉबेरी का दे रखा है यहां पर देखो क्या है एटेरियो ऑफ एसनी फ्रूट का टाइप हमने यहां बता दिया इडेबल पार्ट थैलेमस और ओवरी होता है क्लियर है तो ये जो जो बात आपके एनसीईआरटी में लेबल नहीं कर रखा था वो हमने यहां से लेबल कर दिया और इससे रिलेटेड सवाल बनता है बच्चों याद रखिएगा आइए नेक्स्ट हम बात करें तो देखो क्या दे रखा हार्ड सीड कोड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग इंब्रियो बींग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन ये आपके नीट में दो से तीन बार सवाल अभी लास्ट फाइव ईयर में पूछा है ठीक आइए सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर द क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड विच कैन बी यूज एज अ फूड थ्रो आउट ईयर एंड ऑल्सो राइज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन इंपॉर्टेंट तो क्योंकि ये क्या होगा मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव हो जाएगा देखिए इन स्पीशीज इन इन फ्यू स्पीशीज सीड ऑल्सो क्या है विद इन अ फ्यू मंथ मतलब जर्मिनेशन कैपेसिटी लॉस कर देना सीड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लीव फॉर अ सेवरल ईयर बहुत सारे हैं सम सीड्स कैन रिमेन अ लाइव फॉर क्या है हंड्रेड्स ऑफ ईयर हैं देखिए एग्जाम्पल जो यहां दे रखा है याद रखिएगा द ओल्डेस्ट इज द क्या है इज अ दुपाइन लुपिनस याद रखिएगा कहां से सेवेटेड किया गया आर्कटिक टूडरा से क्लियर इंपॉर्टेंट है द सीड जर्मिनेशन एंड क्या है फ्लावर आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ टेन थाउजेंड इस ऑफ डॉमेंसी तो एक तो इसका क्या है प्लेस याद रखिएगा कहां से एक्सकेवेट किया गया है और इनका क्या है वीएबिलिटी याद रखिएगा नेक्स्ट रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ ओल्ड रखिएगाएबल सीड इज ऑफ डेट पाम क्या है फ्योनिक्स डायफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट किंग हेरोल्ड पैलेस नियर डेड सी तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट नीट में पूछा जाता है आइए नेक्स्ट हम बात करें अब देखो कह रहा है आफ्टर कंप्लीशन अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स विल क्या है अब देखिए यहां से सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एंड एन इम्ब्रियोसेक तो एक इम्रेक में एक एग होता है नेक्स्ट देखिए कह रहा है हाउ मेनी इम्ब्रियोसेक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल एक ओव्यूल में एक इम्ब्रियोसेक ठीक आइए हाउ मेनी ओव्यूस आर प्रेजेंट इन एन ओवरी तो देखिए क्या दे रखा है वेरिएबल होगा मेज में वन फिग में मैनी ठीक है वेरिएबल प्लांट्स टू प्लांट्स तो एक हमने सबसे कम और सबसे ज्यादा का एग्जाम्पल दे दिया हाउ मैनी हाउ मैनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर तो यह किस पर डिपेंड करेगा वेरिएबल होगा डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्पेल या पिस्टल ठीक है जितना ज़्यादा कार्पेल उतना ज्यादा ओवरी उतना ज़्यादा उसके अंदर ठीक है ओव्यूल ठीक ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट तो अब अगला कह रहा है हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन ए ट्री वेरिएबल होगा अलग अलग होंगे तो ये क्वेश्चन था नेक्स्ट कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन व्हिच फ्रूट्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स तो देखिए एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा क्या दे रखा है ऑर्किड्स फ्रूट्स आर आर ऑर्किड्स हो गया वही चीज कह रहा है बहुत ज्यादा होंगे कितने थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स और इसी तरीके से क्या दे रखा है एक पैरासिटिक स्पीशीज सच एज ऑरोबेक एंड स्ट्रिगा स्ट्रिगा ठीक इन दो एग्जांपल याद रखिएगा इनमें भी मेनी क्या होते हैं सीड्स होते हैं टाइनी सीड अब देखिए क्या दे रखा है नेक्स्ट कह रखा है हैव यू सीन अ टाइनी सीड ऑफ फिगर्स आपने देखा है मैं नहीं देखा तो आप देखें हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फिगर्स डेवलप कितना ऊंचा तो 98 फीट अब कह रहा है कि कितने बिलियंस ऑफ सीड्स डज प्रोड्यूस तो 850 बिलियन एक ठीक है अब देखिए कह रहा है इसके अलावा भी कोई और है तो बताइए ठीक है तो यूकेलिप्टस बात कर लीजिए गवा बात कर लीजिए ये सारी चीजें हो जाएंगी ठीक क्वेश्चन पूछा मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट अब आ गए एपोमिक्सेस एंड पॉली इमोनी क्या है देखिए सीधे क्या क्या है अब, क्या है अब फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एस क्या है ये याद रखिएगा और ग्रास हो गया ठीक है फर्टिलाइजेशन जिसको हम एपो बोलते हैं अब सवाल कह रहा है व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थेनो कार्पिक फ्रूट बोलेंगे दैट फ्रूट्स आर सीडलेस ठीक है और उस प्रोसेस को पार्थेनो कार्पी बोलेंगे ठीक है तो देखिए आगे एपोमिक्स इज अ फॉर्म ऑफ एन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड्स ये लाइन इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा तो अब यहां से जो जा रहे हैं उसको हम आपको क्या है लिखकर भी बताया है इन स्पीशीज देखिए डिप्लॉइड एग मतलब क्या हुआ कि क्या हो गया स्पोरोजीनस टिश्यू हो गया और उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल हुआ उसमें नहीं हुआ तो पूरा का पूरा इम्ब्रियो कैसा बन गया diploid. तो एग भी क्या हो गया डिप्लॉइड तो देखिए एग सेल इज फॉर्म विदाउट रिडक्शनल मतलब विदाउट मियोसिस ठीक है एंड डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा एक कंडीशन इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो सिट्रस मैंगो याद रखिएगा वेराइटीज ऑफ सम न्यूक्लियर से न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द इम्ब्रियो सेक स्टार्ट डेवलपिंग प्रोट्यूड इंटू द इम्ब्रियो सेक ठीक है प्रोट्यूड इंटू द इम्रियो प्रोट्यूड बाहर आर दैट मीन बर्ड डेवलप्स इंटू द इम्ब्रियो डायरेक्ट क्या हो गया क्या न्यूसेलर सेल cell, जो इम्ब्रियो सेक को स्रोण कर रहे थे वो किसमें बदल गया इम्ब्रियो में ठीक तो यहां पर भी मियोसिस नहीं हुआ इन सच स्पीशीज इच ओव्यूल कंटेन मेनी इम्रियो तो उसको हम क्या बोल देंगे पॉली इम्ब्रियोनी बोल देंगे तो सिट्रस और मैंगो का एग्जाम किसका एग्जाम्पल है पॉली इम्ब्रियोनी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा अब आगे कह रहा है कि वट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्ट इम्ब्रियो है क्या हो जाएंगे एपोमिक्ट इम्रियो सॉरी एपोमिक्ट इम्ब्रियो अगर हम बात करें तो इम्रियू सॉरी इम्रियू इम्रियो कह रहा है, ठीक है तो क्या बोलिएगा आप डिप्लॉइड हो जाएंगे और जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होंगे इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं क्लोन बोलते हैं क्लियर चलो नेक्स्ट हम बात करें आगे कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रीमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट आगे देखिए अब क्या वन वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स टू प्रोड्यूस एवरी ईयर हर साल प्रोड्यूस करना पड़ेगा इफ सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन The plant in the progeny will segregate. एंड डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर मतलब हाइब्रिड अगर हाइब्रिड को हम क्या दोबारा से ग्रो कराएंगे तो वो कैरेक्टर को नहीं कर पाएगा तो हर साल हमें इन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो आगे देखिए प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर अब इसके लिए क्या कंडीशन आया इफ दीज हाइब्रिड आर मेड इन टू एपोमेक्टिक देयर इज अग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन दाइब्रिड प्रोजेनि देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू राइज न्यू क्रॉप एवरी ईयर आफ्टर ईयर एंड डज नॉट हैव टू बाई हाईब्रिड सीड एवरी ईयर समझ में आ रहा है तो यह एडवांटेज हो गया बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक एपोमिक्स इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मेनी लैबोरेटरी अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेट टिक्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन इन टू दी हाइब्रिड मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग कहने का मतलब इंजीनियरिंग क्लियर यह चीज आगे तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट हम बात करें तो देखो वही चीज हम बात कर लिया अब ये ओव्यूल है तो ओव्यूल में अगर हम नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करें तो देखो स्पोरोजीनस टिश्यू है डिप्लॉइड है अब यहां पर क्या है ग्रोथ हो जाएगा क्या होगा ग्रोथ अब ये ग्रोथ होगा तो क्या बना देगा मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगा डिप्लॉइड है हो गया तो फिर मेगा स्पोर बना दिया चार में से तीन डी जनरेट माइक्रोपाइलर साइड का चैलेजल साइड का फंक्शनल रहता है हो गया वो इम्ब्रियोसेक में बदल गया इम्ब्रियोसेक में एक एक सेल है, है मेल गार्मिट आया फ्यूज किया सिंगेमी हुआ बन गया फिर क्या है इम्ब्रियो में बदल गया ठीक फिर उसके बाद सीड फिर एक प्लांट ये दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब आ जाइए एपोमिक्टिक हम बात करें तो एपोमिक्सिस बात करें ठीक तो देखो क्या है डिप्लोस्पोरी जिसको हम डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस में हैप्लोइड प्रोड्यूस होते हैं लेकिन यहां पर डिप्लॉइड प्रोड्यूस हो रहा है जनरल पार्थेनोजेनेसिस में हैप्लोइड और यहां पर डिप्लॉइड तो नाम पड़ गया डिप्लोस्पोरी को डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस तो देखिए पार्थेनोजेनेसिस ठीक है तो पार्थेनियम एग्जाम्पल हो गया टेरा कम हो गया ठीक विदाउट म्यूसिसकॉड हो गया और फिर embryo भी हो गया फिर यहाँ पर एग का नहीं मतलब है सीधे क्या हो गया embryo, फिर वो में में और ये plant में, without fertilization, meiosis भी नहीं हुआ ठीक आगे देखिए अब इंटीगोमेंट न्यूसेल है अब क्या है एपोमिक्स बात कर रहे हैं तो मेगा स्पोर मदर सेल मेगा इम्रियो फिर सीड फिर प्लांट तो इसको एपो स्पोरी इस बोलेंगे ठीक है मेगा स्पोर मदर सेल यहां पर क्या हो रहा है कि अब आप बोलेंगे कि एपो स्पोरी और एडवेंटी एडवेंटिव इम्ब्रियो में क्या था तो प्रोट्यूडिंग लिखा था ना आपके एनसीईआरटी में दैट मीन्स क्या है स्पोरोफिटिक बडिंग मतलब यहां पर इंटीग्रमेंट और न्यू डायरेक्ट किस में बदल रहा है इम्ब्रियो सेक में सीड हो गया प्लांट्स में आ गया ठीक है जो कि आपने देखा था मैंगो सिट्रस क्लियर है तो ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से ये चीज हमने आपको पूरा बता दिया वो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ये आपको विदाउट म्यूसिस एंड फर्टिलाइजेशन दिस 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 तो एपोस्पोरी देख लीजिएगा क्या होगा इंट्यूगमेंट और न्यूसेलस ठीक मेगा और इस तरह से बनेगा नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए चलिए तो ये पूरा आपका यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हुआ क्लियर है अब आ जाइए नेक्स्ट हम बात करें क्या कुछ हम समरी देख ले यहां पर देखो समरी में कुछ नहीं आप देख लो सीधे जो जो अंडरलाइन है वो हां लेकिन एक चीज दो चीज है जो आपके पूरे थ्योरी में नहीं दे रखा था मेन में लेकिन यहां दे रखा वो भी बताएंगे ये सब आप सीधे सीधे देख लें जो कि आपके काम का है तो हम यहां पर कुछ नहीं बोलने क्योंकि ऑलरेडी बोल चुके नेक्स्ट देखिए हां देखो यहां से इंपॉर्टेंट सेंट्रल सेल क्या है न्यू सेलस सेंट्रल टिश्यू न्यू सेलस अब ये क्या है आर की एस्पोरियम याद रखिएगा आरकी एस्पोरियम डिफ्रेंशिएट अब क्या है उसको मेगा क्या है एसेल्स ऑफ आर्की एस्पोरियम आपसे सवाल पूछा मेगा स्पोर मदर सेल कहां से आरकी एस्पोरियम ठीक है या ऐसा तो मेगा स्पोर मदर सेल आरकी मतलब पेरेंट क्लाइमेटर्स डिवाइडिंग कैपेसिटी है ये चीज़ तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट था आरकी स्पोरियम ठीक है ध्यान रखिएगा बाकी क्या है सीधे सीधे दे रखा है आप देख लें सेवन से रेट न्यूक्लिएटेड नेक्स्ट क्या है ये था फिर क्या है सिट्रस एंड मैंगो क्लियर तो ये आपका पार्ट पूरा कंप्लीट होता है क्लियर तो ये ध्यान रखिएगा फिर हम आपको बता रहे हैं आपके नीट 2019 में 88 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम नाइनटीन में और आप इधर उधर ना जाए डायरेक्ट आप एनसीआरटी को रिवाइज करें फिलहाल इंपॉर्टेंट है तो आप हमें क्या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं मेडिकोमेंटा क्लासेस से इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और क्या है ट्विटर पे भी और क्या है टेलीग्राम पे भी आप किसी कोई सा भी आपको प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में डॉट हो आप हमें इसका, इसका क्या है फ़ोटो लेकर भेज सकते हैं हम उसका आपको सॉल्यूशन देंगे क्लियर है तो ये चीज़ हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं ओके थैंक यू